जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर में अचानक पहुंची हजारों मुस्लिम महिलाएं और लगाने लगी जय श्री राम की जयकारे। क्या है इस घटना के पीछे पूरी सच्चाई, जानकर आपको भी एहसास होगा। अब सनातन जाग चुका है और देश विदेश में सनातन धर्म का दनका बज रहा है। हर कोई राममय हो चुका है। अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें, और राम मंदिर बनने से बेहद खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। वर्षों की तपस्या के बाद अब लोगों को उनका राम मंदिर मिल गया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने तक की यात्रा कतई आसान नहीं थी। राम जन्मभूमि पर मस्जिद के निर्माण से लेकर वापस राम लल्ला के भव्य मंदिर बनने तक लगभग 5 सदियां लग गई। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार आज राम लल्ला अयोध्या में विराजमान हो गए। अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत एवं अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी में राम लल्ला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस ऐतिहासिक समारोह के भव्य आयोजन के लिए अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज धज कर सजी हुई थी। करोड़ों लोग टेलीविजन और ऑनलाइन मंचों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे थे, और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हुआ और रामलला की आंखों से पट्टी हटाई गई, तो उनकी मनमोहक छवि देखकर सभी की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा लग रहा था मानो रामराज्य आ चुका, सतयुग का प्रारंभ हो गया हो। और इस रामराज्य का सबसे बड़ा चमत्कार तब दिखा जब अयोध्या में दर्शन करने के लिए कई सारी मुस्लिम महिलाएं एक साथ अयोध्या पहुंच गई। अब सवाल उठता है, क्या उनके मन में इस्लाम का खौफ नहीं था? क्या था उनके अयोध्या आने का कारण? आगे वीडियो में सारी सच्चाई बताएंगे। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और अगले दिन 23 जनवरी को राम मंदिर के दरवाजे आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिए गए, जिसकी वजह से मंदिर के बाहर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ लग गई और भगदड़ जैसा माहौल बन गया। लेकिन प्रभु श्री राम की कृपा ऐसी थी कि एक भी भक्त का बाल भी बाका नहीं हुआ, और 5 लाख भक्तों ने पहले दिन बड़े ही अच्छी तरह से रामलला के दर्शन किए। लेकिन अचानक से 3 से 4 मुस्लिम महिलाएं बुरखा पहने हुए और कुछ मुस्लिम महिलाएं भगवा वस्त्र पहने हुए राम मंदिर परिसर में दिखाई दी, जिस वजह से कुछ लोगों को उनके ऊपर शक होने लगा। कहीं यह मुस्लिम समुदाय की कोई चाल तो नहीं है? कहीं उन्होंने राम मंदिर के लिए कोई साजिश तो नहीं रची है? क्योंकि पिछले कुछ समय से अयोध्या में कुछ मुसलमानों द्वारा कुछ क्षेत्रों में ऐसे बयान दिए गए थे जिसमें वह पूरी तरह से राम मंदिर बनने से असंतुष्ट नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि जिस दिन हमारी सरकार होगी उस दिन हम मंदिर को तोड़ देंगे। ऐसे कई बयान आने के बाद अयोध्या में भारी सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अयोध्या और उसके आसपास लगभग 12,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया है। 10,000 CCTV लगाए गए हैं। इनमें से लगभग 400 CCTV मंदिर के आसपास और येलो जोन में है। तब सभी लोगों को इन मुस्लिम महिलाओं के ऊपर बहुत ज्यादा संदेह हो रहा था, तो पुलिस के कुछ अधिकारियों ने उन महिलाओं को पूछताछ के लिए बुलाया। तब उन्होंने जो जवाब दिया सुनकर अधिकारियों के भी रोंगटे खड़े हो गए। उन 3-4 मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि वे रामलला के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी कई सारी सहेलियां भी प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहती है, लेकिन वे आज आ नहीं सकी। लेकिन आज हम हिम्मत करके अपने घर पर लड़ाई करके प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुँचे हैं। लेकिन प्रभु श्री राम ने मुस्लिम वर्ग की उन महिलाओं पर ऐसी क्या कृपा करी थी कि आज वह भी राम जी की भक्ति में लीन हो गई थी। आगे वीडियो में वो सच्चाई आपको पता चलेगी। रुखसाना नाम की एक मुस्लिम महिला ने सच बताते हुए कहा कि मेरा पति रोजाना शराब पीकर मुझ पर हाथ उठाता था, और मेरे अलावा और भी कई औरतों के साथ उसके रिश्ते थे। एक दिन गुस्से में आकर उसने मुझे 3 बार तलाक 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 कहा, और मुझे मेरे हाल में मेरे बच्चों के साथ लावारिस छोड़ दिया, और उसके बाद वो मुझसे मिलने फिर कभी भी नहीं आया। लेकिन जब मोदी जी ने 3 तलाक बिल पास करवाया, मेरे साथ साथ कई मुस्लिम बहनों को न्याय मिला। प्रधानमंत्री मोदी पर श्री राम की कृपा है। वे युग पुरुष है, और अब हम भी उन्हीं राम जी की शरण में जाना चाहते हैं ताकि हमारा भी उद्धार हो। सभी मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि सनातन धर्म अजर है, अमर है। हमें कन्वर्ट हुए भी 200 से 250 साल ही हुए हैं। हमारे पूर्वज भी कभी न कभी हिंदू ही हुआ करते थे, से जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। हिंदुस्तान में रहने वाला एक एक शख्स राम का है, और राम हमारे हैं। सनातन धर्म में औरतों का सम्मान किया जाता है, यहाँ पर उन्हें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ाया जाता है। उनके साथ रिश्ता 7 जन्मों तक निभाया जाता है। अब प्रभु श्री राम हमारे भी आदर्श हैं, और हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। इसके बाद कड़ी सुरक्षा में उन 3 मुस्लिम महिलाओं को रामलला के दर्शन कराए गए। इसके बाद उन्होंने मंदिर परिसर में जय श्री राम के जयकारे भी लगे। राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सनातन धर्म के अलावा तमाम पंथों के धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था। अयोध्या में आयोजित इस समारोह में VVIP मेहमानों के बीच एक मुस्लिम धर्मगुरु भी बैठे दिखे,
जिनका मानना है राम सबके हैं। लेकिन कौन है ये शख्सियत? अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे मुस्लिम धर्मगुरु का नाम इमाम उमेर अहमद इलियासी है। वो अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम हैं। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पहुंचे इमाम उमेर अहमद इलियासी ने कहा, ये बदलते भारत की तस्वीर है। आज का भारत नवीन और उत्तम है। मैं यहाँ पैगाम ए मोहब्बत लेकर आया हूँ। हमारे इबादत के तरीके और पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारी आस्थाएं जरूर अलग हो सकती है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत का है। आइए हम सब मिलकर इंसानियत को बरकरार रखें। दूसरी बात ये कि हम सब भारतीय हैं, भारत में रहते हैं, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपने देश को मजबूत करें। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। मुस्लिम नेता राव मुशर्रफ अली ने कहा है, मैं सभी मुसलमानों से अपील करता हूँ कि वह ज्यादा से ज्यादा संख्या में 22 जनवरी के दिन अयोध्या पहुँचे। अगर उस दिन अयोध्या नहीं जा पाते हैं तो उस दिन अपने अपने घरों में मस्जिदों और दरगाहों पर कम से कम 11 बार श्री राम जय राम का जाप करें। ये सभी दृश्य देखने के बाद ऐसा लगता है मानो मुस्लिम वर्ग अपने खून को पहचान चुका है, मानो वे राम को अपना चुके हैं, या फिर यह इनकी कोई दोगली चाल है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि मुंबई से सटे मीरा रोड पर दो समुदायों के बीच झड़प के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। अबू शेख नाम के एक व्यक्ति का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह लोगों को उकसा रहा था। दरअसल रविवार रात 10 बजे के आसपास हिंदू समाज के लोग नयानगर से बाइक और अन्य गाड़ियों से धार्मिक नारेबाजी करते हुए गुजर रहे थे। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने उन्हें रोका और वहां से जाने को कहा। बातचीत थोड़ी देर में झगड़े में तब्दील हो गई और उपद्रवियों ने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए उनकी गाड़ियों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक महिला के सिर पर चोटें भी आए। दोस्तों, सनातन धर्म अजर है, अमर है, सत्य है। सनातनियों में हौसला है लेकिन धैर्य भी है। आज तक सनातनियों ने कई जुल्म देखा है, अपने मंदिरों को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है। कई साधु संतों ने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने सीने पर गोली खाई है। कार सेवकों ने बलिदान दिया है। शौर्य और हौसला होने के बावजूद भी कानून को अपना हथियार बनाकर ईमानदारी के साथ अपने अधिकार के लिए लड़े और फैसला आने के बाद ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू किया। यही हमारा धैर्य है। सनातन धर्म जो हमें सिखाता है कि सभी को साथ लेकर चलो, सभी को अपना परिवार मानो। आशा करते आज की वीडियो से जो सच्चाई हम आपको समझाना चाहते थे वो आपके समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमेशा ऐसी घटनाएं प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सभी दर्शकों को जय श्री राम।